आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वाधीनता दिवस सिवनी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जिले भर में उत्साह उमंग अलग ही नजर आ रही थी। उत्साह उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा उनके द्वारा स्टेडियम में सलामी ली गई। पूरे देश के साथ सिवनी में भी स्वतंत्रता दिवस 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास उमंग परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। स्टेडियम मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राजस्व मंत्री और सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जनता के नाम दिए गए संदेश का वाचन कर हर्ष के प्रतीक के रूप में गुब्बारों को छोड़ा गया। इस अवसर पर सिवनी विधायक दिनेश राय, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया, नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान, जनपद पंचायत सिवनी के अध्यक्ष श्रीमती किरण भलावी, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, पूर्व सांसद डॉक्टर बिसेन, श्रीमती नीता परेरिया, पूर्व विधायक नरेश देवाकर, कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के सीईओ नवीन नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित भारी तादाद में लोग उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह से ही बारिश होना आरंभ हो गई थी और इस बारिश के बीच लोगों के उत्साह में कहीं कमी नजर नहीं आ रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। स्टेडियम सिवनी का स्टेडियम, जिसे अघोषित तौर पर अब फुटबॉल स्टेडियम का नाम दिया गया है, ये देखिए बच्चे यहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चों के जरिए प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा के द्वारा गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, गुब्बारे उनसे छुड़वाए गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा आसमान पर दिखाई दे रहा होगा आपको। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये देखिए बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी गिरता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में भारी वर्षा के बीच प्लाटून कमांडर गौरव मस्कोले ने के नेतृत्व में पुलिस बैंड के द्वारा प्लाटून दल विशेष सशस्त्र बल SAF, जिला पुलिस बल DF, होमगार्ड नगर सेना, जेल विभाग, वन विभाग, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC, स्काउट और गाइड सहित कुल 19 प्लाटूनों के द्वारा दिल को छू लेने वाला मनमोहक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। सभी के द्वारा इस मार्च पास्ट का लुत्फ उठाया गया और इसकी प्रशंसा की गई। मार्च पास्ट के उपरांत मुख्य अतिथि और जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने सभी प्लाटून कमांडर्स से परिचय प्राप्त किया। जिला स्तरीय समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी प्रस्तुति के चलते वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 206 अधिकारी और कर्मचारियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी हुआ। प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम सीएम राइज स्कूल सिवनी, द्वितीय पुरस्कार महर्षि विद्या मंदिर और तृतीय पुरस्कार शासकीय लक्ष्मीबाई उत्तर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दिया गया। मार्च प्लास्ट को लेकर सभी प्लाटून के विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर प्रभारी मंत्री के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है, लोगों का अभिवादन उनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मैदान गीला आपको नज़र आ रहा होगा, मैदान की बदहाली भी आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। कहने को इस मैदान का रखरखाव किया जाता है, हम आपको प्रत्यक्ष से इसके बारे में बताएंगे। देखिए किस कदर पानी यहाँ भरा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ पर आयोजित होना था, उस हिसाब से प्रशासन को यहाँ जिस तरीके की तैयारियाँ मुकम्मल की जानी चाहिए थी, वैसी तैयारियाँ यहाँ पर मैदान में बारिश के पूर्वानुमान को लेकर दिखाई शायद नहीं दे रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही बारिश का या मौसम का पूर्वानुमान लगातार ही दिया जाता रहा है और ये पूर्वानुमान 95 से 99% तक अभी तक सही साबित होता आया, और इसके बाद भी किसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वैसे कुछ व्यवस्थाएं की गई पर बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आई। मैदान में जहाँ मार्च पास्ट हुआ, जहाँ बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, वहाँ पानी भरा हुआ था और सभी के गणवेश, सभी के ड्रेस पानी और कीचड़ से सराबोर लथपथ दिखाई दी, जो एक थोड़ी सी लोगों को बात ये कहा जाए कि बहुत अच्छी नहीं लगी। प्रशासन को चाहिए था कि यहाँ पर बारिश की स्थिति को देखते हुए अगर कुछ रेत या लकड़ी का बुरादा जो पानी को सोख सकता था, इसके अलावा जो जीरो गिट्टी होती वो भी डलवाई जा सकती थी, पर शायद स्टेडियम की जो घास है वो ख़राब हो जाती इस डर से, जिसके डर से स्टेडियम की घास में लोगों को चलने से भी रोका जाता है, यहाँ फुटबॉल भी नहीं, अभ्यास तक नहीं होने दिया जाता है। संभवतः ये विश्व का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिस स्टेडियम में घास खराब होने के डर से यहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस शायद नहीं कराई जाती है। इसके बाद भी प्रशासन में जितने भी मुखिया रहे हैं, चूँकि ये सरकारी स्टेडियम है, ये कोई, इस स्टेडियम का निर्माण सरकारी स्तर पर किया गया है, प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होगी कि सिवनी में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी, जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के समारोह हुआ करते थे, वो पुलिस ग्राउंड में ही आयोजित किया हुआ करते थे। लगभग ये कहा जाए कि 90 के दशक तक पुलिस ग्राउंड ही सिवनी का आधिकारिक खेल का मैदान हुआ करता था। जो भी वहाँ पर बाबा राघवदास स्मृति हॉकी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता वहाँ हुआ करती थी। इसके अलावा बहुत सारे आयोजन, यहाँ तक कि दारा सिंह के द्वारा जब एक दंगल यहाँ सिवनी में दंगल लड़ा गया था, उस समय दारा सिंह का कि कुश्ती भी उसी मैदान में आयोजित की गई थी 70 के दशक में। बहरहाल देख सकते हैं आप, पानी मैदान में भरा हुआ और पानी के बीच में मार्च पास्ट जारी है जाबांज लोगों के द्वारा। यहाँ पर मार्च पास्ट आपको देख सकते हैं, मार्च पास्ट यहाँ पर पुलिस, सबसे पहले पुलिस के दल के द्वारा और प्रभारी मंत्री के द्वारा सलामी ली गई। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता आपको दिखाई दिए होंगे और ये देख सकते हैं, कदम एक साथ, हाथ एक साथ, सब कुछ यंत्र चलित सा प्रतीत होता है, इसे अनुशासन कहा जाता है। दरअसल ये एक दो दिन की प्रैक्टिस में, एक दो दिन के अभ्यास में ये सारी चीज़ें नहीं होती, इस पूरे अभ्यास में लंबा समय लगता है। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता, प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा आपको यहाँ पर दिखाई दिए होंगे। बारिश हो रही है,
झमाझम बारिश के बीच मार्च पास्ट जारी है, कदम ताल जारी है, कदम से कदम मिलाते हुए हाथों को आप देख सकते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे यंत्र चलित जो एआई का ज़माना है, एआई से कोई ऐसा ये सब कराया जा रहा है, पर वास्तव में देखा जाए तो ये एआई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं हो रहा है। दरअसल ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सिवनी के पुलिस, वन विभाग, विशेष सशस्त्र बल, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट गाइड आदि के छात्र छात्राओं के द्वारा, अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस मार्च पास्ट को किया जा रहा है। सिवनी में गिरते पानी के बीच यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और मंच से आप देखिए मंच के किनारे में गिरते पानी को साफ करने के लिए एक कर्मचारी वहाँ पर लगाया हुआ है, ये ताकि वीवीआईपीज अतिथियों को किसी तरह की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। वैसे बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे एक कर्मचारी लगातार प्रभारी मंत्री के पीछे जो सफाई कर्म का वहाँ से करते हुए दिख रहे हैं। वैसे एक बात आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके का पूर्वानुमान था उस पूर्वानुमान के चलते कम से कम जितने हिस्से में मार्च पास्ट होता था होना चाहिए था उतने हिस्से में पंडाल लगाकर वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा सकता था, जिसके चलते प्रभारी मंत्री को तो यहाँ पर छाते में प्रभारी मंत्री के द्वारा वे छाते के नीचे हैं, पर बाकी के जवान आपको दिख रहे होंगे जो भी हैं वे सारे के सारे कहीं ना कहीं बारिश में भीगते नजर आ रहे हैं। उनके जज्बे को सिवनी की जनता, इन सारे प्लाटून कमांडर्स, सारे प्लाटून में शामिल सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे वे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, छात्रों हों, छात्राओं, सबके जज्बे को सिवनी के नागरिकों के द्वारा सलाम किया जा रहा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रभारी मंत्री एक के बाद एक सभी से परिचय प्राप्त करते हुए, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बारिश में दो नन्ही मुन्नी एनसीसी की छात्राएं गणवेश में प्रभारी मंत्री को के आगे चल रही हैं, वे उन्हें स्काउट करती हुई चल रही दिख रही होंगी आपको। वास्तव में एक बहुत सुंदर नज़ारा, और इन सभी के जज्बे को हर किसी के द्वारा सलाम किया गया। स्काउट गाइड की यहाँ पर छात्राएं भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये उनके हर प्लाटून के कमांडर्स हैं, प्रभारी मंत्री के द्वारा यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ही उनके द्वारा सलूट किया जा रहा है प्लाटून के बच्चियों के द्वारा, प्रभारी मंत्री के द्वारा उन्हें सलाम, उनकी सलामी ली जा रही है, और सलामी लेने के साथ ही प्रभारी मंत्री उनके चरणों को झुककर स्पर्श करते हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं, और ये वास्तव में उनके कहीं ना कहीं, ये देखिए ये संस्कारों का प्रतीक है। देश में सनातन धर्म में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है, और देवी के चरणों का वंदन किया जाता है। प्रभारी मंत्री ने, करण सिंह वर्मा ने ये साबित किया कि वे सनातन धर्म के नियम कायदे, घोषित अघोषित नियम कायदे आदि का पालन किस कदर करते हैं, उनके दिल में महिलाओं के प्रति कितनी इज्जत है, वे स्पष्ट तौर पर, शफीक खान यहाँ पर प्रभारी मंत्री से हाथ मिलाते हुए आपको नज़र आ रहे थे, और प्रभारी मंत्री एक के बाद एक सभी से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चूँकि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे मंच पर। अगर सरकार कांग्रेस की होती तो कांग्रेस के नेता यहाँ पर नज़र आते। ये नरेश दिवाकर, ज्ञानचंद सनोडिया, और उसके उपरांत यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे दिनेश राय। दिनेश राय के आगे वेद सिंह ठाकुर, वेद सिंह ठाकुर के साथ ये डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन यहाँ आपको दिख रहे होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आलोक दुबे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, एक के बाद एक सभी से परिचय प्राप्त कर प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा अपने स्थान पर बैठ गए। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर दोनों आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे।
ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिरते पानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ जारी है। और मैदान की बदहाली, जिस मैदान में सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम लोगों को घूमने दिया जाता है, यहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस भी नहीं होती, उस मैदान की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। स्वाधीनता दिवस का ये कार्यक्रम, यहाँ बच्चे आपको दिख रहे होंगे और यहाँ देखिए जमीन पर घुटने टेक कर बैठे हुए और सभी के गणवेश और जो भी उनकी ड्रेसेस हैं वो लथपथ होती जा रही हैं कहीं ना कहीं पानी और कीचड़ से। इस सब के बाद भी उनका जज्बा देखने लायक है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ पर विद्यार्थियों का जज्बा आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा। विद्यार्थियों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति यहां पर दी जा रही है। अतिथि आपको यहां पर दिख रहे होंगे, अतिथियों के बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है, वहाँ पानी ना आए ऐसी व्यवस्था है। जहाँ पर मैदान में जिस स्थान पर ये प्रतिभागियों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जा रही है, वहाँ शायद पंडाल लगाया जा सकता था, शायद प्रशासन के अधिकारी या यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने वाले जो भी जिम्मेदार थे वे अगर चाहते तो बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यहाँ पर इस तरीके की मुकम्मल व्यवस्थाएँ की जा सकती थी कि ये स्थान कम से कम जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने, वहाँ तो कम से कम बारिश का पानी वहाँ ना गिरे, बारिश ना हो, ऐसी व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था शायद की जा सकती थी। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है विद्यार्थियों के द्वारा। हर साल की तरह इस साल भी स्टेडियम, जिसे अघोषित तौर पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम अब दे दिया गया है, जबकि ये स्टेडियम सभी खेलों के लिए है, इस स्टेडियम में आप पानी भरा हुआ है और बच्चे वहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। बहुत सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति, ये आप देखिए सेना के जवान किस तरह से उनके द्वारा, सेना के जवानों के द्वारा जो भी किया जाता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। गीत भी साथ में चल रहा है और प्रस्तुति भी बहुत ही सुंदर और उम्दा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। स्वाधीनता दिवस का ये कार्यक्रम आप देखिए, स्वाधीनता दिवस में पानी में बारिश की बूंदें गिरती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ बारिश 15 अगस्त को जबरदस्त बारिश हो रही है, पर यहाँ रिमझिम पानी गिरता हुआ दिख रहा होगा और बारिश के बीच बहुत ही अच्छे जोश और जज्बे के साथ विद्यार्थियों के द्वारा देश प्रेम की अलख जगाते हुए, देश प्रेम की अलख जगाने वाले कार्यक्रमों, देश प्रेम की अलख जगाने वाली प्रस्तुतियों को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सब को अंजाम दिया विद्यार्थियों के द्वारा, दर्शकों की खूब सराहना सभी के द्वारा बटोरी गई, दर्शकों ने जबरदस्त तरीके से तालियां बजा बजा कर इन सब का स्वागत किया, इन सब का उत्साहवर्धन किया। हम आपको बता दें यहाँ पर दो चीज़, जो दो बातें मुख्य रूप से हुई, पहला तो जो भी यहाँ तैयारियाँ हुई, ये देखिए ये ध्वज संभवतः उल्टा पकड़ा हुआ है और जैसे ही ध्वज उल्टा पकड़ा, लोगों को समझ में आया कि ध्वज को उल्टा पकड़ा हुआ है, हरा रंग ऊपर केसरी रंग नीचे, वैसे ही भाग कर जिम्मेदार पहुँचे और उसे ठीक कराया। दरअसल जो प्रस्तुति देता है उसे ये नहीं पता होता है कि वो जो प्रस्तुति दे रहा है वो ध्वज को सीधा है या उल्टा, ये देखने वाले को समझ में आता है और बहुत जल्दी ही उनकी इस गलती को ठीक कर दिया गया। हम आपको यही बता रहे थे कि
पहली यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिला कलेक्टर संस्कृति जैन और जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता दोनों की उपस्थिति में इसकी पूरा अभ्यास लगातार जारी रहा। उत्साहवर्धन जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया और जब प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और तिरंगे का सम्मान करते हुए नंगे पैर पूरे सम्मान के साथ ध्वजारोहण किया, ध्वज फहराया। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बच्चे बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ दे रहे हैं। 15 अगस्त 2024 का ये मुख्य कार्यक्रम सिवनी जिले का स्टेडियम मैदान में यहाँ पर जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। अगर आपके पास कोई जानकारियां हैं तो आप सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत हमें उसे भेज सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।